अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ये क्या कर रहे हो तुम? हटो सामने से। नहीं रमन, जिद मत करो, हमें जाने दो। जाने दो ताकि आप भाई और अनमोल को जाकर ये कह सके कि ये नोट आपको मेरे कमरे से मिला। मतलब तुमने रजत और अनमोल को सांप वाली टोकरी तुमने भेजी? कैसा बद्दा मजाक है रमन, कैसा? ये आपको मजाक लग रहा है? ये मजाक नहीं बल्कि मजाक आपने और पापा ने मिलकर मेरे साथ किया। बचपन से लेके आज तक आपने भाई को आगे रखा, जो कुछ भी बेस्ट था उन्हें मिला, और जो चीज मुझे पसंद थी वो तक भाई के हिस्से में आया। ये तो क्या बोल रहे हो रमन, हमने तुम दोनों में कभी भी पक्षपात नहीं किया है। अगर ऐसा नहीं होता ना मम्मी, तो आज अनमोल मेरे साथ होती। बैठिए, याद कीजिए अनमोल को किसने पसंद किया था, मैंने, और वो मिली किसे? भाई को। अरे उस दिन हालात ऐसे हो गए थे, मैं मंडप पे समय से पहले नहीं पहुंच पाया, और मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ तो क्या देखा, भाई ने अनमोल पर अपना अधिकार जमा लिया था, और आपने और पापा ने किसी ने नहीं रोका भाई को। आप अच्छे से जानती थी मम्मी कि मैं अनमोल को चाहने लगा था, प्यार करने लगा था मैं उससे। हमेशा से आपने और पापा ने मेरे साथ भेदभाव किया, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो या बिजनेस, हमेशा भाई आगे रहे क्योंकि उनके साथ आप दोनों का सपोर्ट था, और वही मैं छोटी छोटी चीजों के लिए तरसता रहा, छोटी छोटी चीजों के लिए। रमन तुम हमारी वजह से कभी नहीं तरसे, अपनी हरकतों की वजह से तरसे हो, और ऐसा भी नहीं है कि हमने तुम्हें मौके नहीं दिए, बहुत ही, पर हर बार तुमने हमारे विश्वास को तोड़ा है। सच कहे तो हमने कभी भी तुम्हारी और रजत की तुलना नहीं की। लेकिन ना समझ में आ रहा है कि तुम दोनों में कितना बड़ा फर्क है। हमारा रजत रिश्तों को आगे लेकर जाता है, कोई फर्क नहीं करता, अपनी जान तक नशावर कर देता है, और वही तुम, अरे अपने सगे भाई की जान तक नहीं छोड़ी तुमने। ऐसा होते हैं भाई? ऐसे नहीं होते, हाँ नहीं होते, लेकिन मैंने ऐसा क्यों किया ये जानना चाहा आपने? चाहा? अरे पूरे परिवार के सामने आपने मुझे थप्पड़ मारकर घर से बाहर निकाल दिया। हाँ मारे थे थप्पड़, मारे थे तुम्हें, क्योंकि तुम अनमोल की जान लेना चाहते थे, वो भी मृदुला के साथ मिलकर, इसीलिए तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया था, समझे? घर से बाहर निकाल दिया? मम्मी दिल से भी बाहर निकाल दिया था क्या? आपने जानने की कोशिश नहीं की मैं किस हाल में हूं, कहां हूं, कैसा हूं, जानना चाहा आप लोगों ने? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? ये बच्चों जैसी बातें क्यों कर रहे हो रमन तुम? तुमने हमारे ममता पर सवाल उठाया है, अगर तुम्हारे लिए ममता नहीं होती ना, तो जब तुम लौट कर आए तो हम तुम्हें कभी स्वीकार नहीं करते।
स्वीकार किया, किया स्वीकार, लेकिन आधा अधूरा। कहने को तो मैं आप लोगों का बेटा हूं, लेकिन बेटे का कोई भी अधिकार दिया मुझे? और आपने ये प्रॉपर्टी भाई और अनमोल के नाम कर दी। प्रॉपर्टी उनके नाम की क्योंकि वो संभालना जानते हैं। देखिए फिर से वही बात, वही नाम। कोई बात नहीं, आप लोगों ने मुझसे मेरा हक छीना, अब मेरी बारी है, मैं अपना हक छीनूंगा। चाहे उसके लिए मुझे दोबारा साथ लाना हो या बस में दोबारा बम लगाना, पूरी शिद्दत से मेहनत करूंगा मैं, पूरी शिद्दत से। बस में बम तुमने लगाया, ये सारे बड़े काम आपके इसी होनहार बेटे ने किए। तुम इतनी घटिया हरकत कैसे कर सकते हो, इतना नीचे कैसे गिर सकते हो? भाई भाभी जल्दी आइए, मामी। नंदनी कहा ना आप कहीं नहीं जाएंगी, जब तक आप मेरा कहा ना मान मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। भाभी जल्दी आइए। क्या हुआ नंदनी? दीपू नंदनी अचानक से दीपू को क्या हो गया? भाभी पता नहीं, इसने दूध पी लिया और फिर अचानक से वॉमिट करने लगी। अनमोल तुम जल्दी से डॉक्टर को फोन करो, मुझे इसकी हालत ठीक नहीं लग रही। नंदनी पानी लेकर आओ। चलो बेटा तुम मेरे साथ चलो। रमन बस मैं बम लगाकर तुम्हारा मन नहीं भरा, जो अपने सगे भाई के पीछे पड़ गए हो। बस में बॉम्ब लगाया, लेकिन मेरी किस्मत तो देखिए, भाई फिर भी बच गए। आप जानती है कितनी मेहनत की थी मैंने उसके लिए, और मेरी पूरी मेहनत पर पानी फेर दिया भाई ने। रास्ते का रोड़ा बन गए वो मेरे लिए, और वही आप इतना समझाने के बाद भी मुझे ही गलत समझ रही। अब मैं आपसे सीधी बात करता हूं, और वो सीधी बात ये है, या तो आप अपने बेटे को खोने के लिए तैयार हो जाइए, या उसे चुपचाप घर से बाहर निकाल दीजिए। रमन हटाम से हम अपने बच्चे को घर से कभी नहीं निकाल सकते। यही भेदभाव मुझे पसंद नहीं, आप अब भी भाई के नाम का जाप किए जा रही हैं। खैर कोई नहीं, चुपचाप मेरी बात मान लीजिए मां, वरना आप मुझे जानती नहीं है, मैं भाई को छोड़ूंगा नहीं, खत्म कर दूंगा मैं उन्हें।
अब देखिए कैसा है ये रिश्ता अनजाना, दंगल प्ले पर टीवी से पहले।